सफल पर। सिरसा जिले के फुलटवाला में गांव का एक युवक अपनी अनोखी जीत को लेकर के सिरसा से दिल्ली की ओर पैदल रवाना हुआ और इस समय वो चर्चा का विषय बना हुआ है। 14 फरवरी को जहां पूरे विश्व के अंदर वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा था, तो वहीं पुलवामा के शहीदों की याद में इस युवक ने न केवल दिल्ली तक पैदल जाने की जिद कर ली बल्कि अपना सफर भी आरंभ कर चुका है। इतना ही नहीं, ये युवक पैदल उल्टा मुड़कर चलने लगा, यानी उल्टे पांव दिल्ली पहुंचेगा। 15 फरवरी को वह दिन भर उल्टा चलकर सिरसा से फतेहाबाद पहुंचा। इस लड़के का नाम पुनीत है। उसकी जिद का मानना है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उल्टा चलकर दिल्ली जा रहा है। हमारे विशेष संवाददाता विनोद कुमार ने इससे बातचीत भी की। आइए देखते हैं ये खास वीडियो। कैसे विचार है आपके, ये क्या किस हिसाब से विचार है आपका? वो विचार मैंने 3 महीने पहले सोच लिया था कि लोग इस दिन वैलेंटाइन डे मनाते हैं और इसी दिन 14 फरवरी को मतलब आता है। मैं ये चाहता हूँ कि जो युवा साथी है वो वैलेंटाइन डे के चक्कर में ना पड़े, जो ये हमला हुआ था उसको नेगेटिविटी में ना ले। ये जो युवा साथी है वो आर्मी की तैयारी करे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि देश सुरक्षित रह सके। सर जो 14 फरवरी तो उसके लिए मैं सिलेंडर चला रहा हूँ और साथ में एक मतलब 300 किलोमीटर उल्टा चलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा हूँ। और इसी के साथ ही मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ, ताकि जो पीछे हमला हुआ था पुलवामा उसकी जांच की जाए। कब से ये चल रहे हो आप? सर मैं 14 फरवरी सुबह 6 बजे चला था। कहाँ से? एलनाबाद गांव भूलवाला शेरशाह। तो आपको इतने कड़ी धूप या कोई सर्दी में आप चल रहे हो, क्या क्या आपको कोई संघर्ष वगैरह क्या कोई दिक्कत आई है इसमें? सर कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सभी हिंदुस्तान से मेरे आए मसला और सब कुछ मिल रहा है सर। तो क्या आपको क्या मुख्य क्या संदेश है? सफर तय कर लिया है। 55 किलोमीटर चल चुका और बाकी 245 किलोमीटर, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। मोदी जी आप क्या क्या कोई आके क्या क्या कोई रखना चाहते हो? कोई बस यही रखना चाहता हूँ, एक तो जो पुलवामा मिला हुआ था मोदी सरकार ने देने जा रहा हूँ, साथ में ये जाँच इसकी पेंडिंग है